उन्होंने गाया था साथ में जाना? नहीं, आए थे आशीर्वाद दिया, वीडियो आया था। अच्छा लगा यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री साहब आए मिलने और इसको आशीर्वाद दिया। आई थिंक एक इंस्पिरेशन होती है, मतलब ऐसे गांव से कोई उठकर इतने बड़े पेडेस्टल पर आ जाए तो सबके लिए इंस्पिरेशन होती है। जैसे जब मैं म्यूज़िक में आया था तो मेरे परिवार से कोई भी म्यूज़िक में नहीं था, तो अभी सबको म्यूज़िक में आने का एक इंस्पिरेशन हो जाती है, तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है और शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे पता नहीं था जब मैं इससे मिला कि कैसे करेगा, हाँ। क्या करेगा, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो छा गया ये, मतलब फिर हमें कैमरा ऑन होते चेंज हो गया। और जैसे कैमरा ऑफ होता था ऐसा हो जाता था, और जैसे ही कैमरा ऑन होता था कैसे हो जाता था, एकदम छा जाता था। तो मैंने कहा कि तो ये स्टार है लड़का, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपको कब लगा कि यार कोई इतना सीरियसली नहीं हमने इस चीज़ को लिया, हमने लगा कि एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हमने बनाया, और मुझे लगा कि इसने गाया, इसकी आवाज़ है तो इसको स्क्रीन पे आना चाहिए, तो भाई मतलब आई थिंक ड्यूटी थी हमारी। मैम आज रील बनाया आप लोगों ने प्रमोशन के लिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस था और शूट और आज का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। उस दिन मिली थी थोड़ा इतना यहाँ से यहाँ खुल चुका था, आज ये पूरा ही खुल चुका है 100%। तो इसमें चेंज देख के हम लोग हैरान हो गए, बहुत अच्छा लगा। क्रिकेट खेल रहा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत प्यारा क्रिकेट खेल रहा है। सर जैसे कि आपने कहा गांव से आने वाला बच्चा ना, आप प्रोत्साहन कर रहे आगे की क्या करेगा, इसको प्लानिंग आपकी क्या रहेगी, इसके ट्रेनिंग आगे और अच्छा करे, क्या करने वाले आप? हाँ मतलब शुरू जब मिला तो एजुकेशन स्पॉन्सर करी, फिर इसने बोला कि म्यूज़िक में जाना जाता है, तो हमने कहा कि चलो जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। लेकिन आज इसको क्रिकेट देख के लगा, क्रिकेट जब खेल रहा था देख के लगा इसको क्रिकेट की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो जो इसने करना है वो करे, और जो हम सपोर्ट दे सकेंगे वो दें। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको नए वर्ल्ड में, आप कुछ आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ग्लैमर की दुनिया में, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के साथ काम किया, मैम के साथ काम किया, कैसा लग रहा है, क्या क्या बातें आपको अच्छी पसंद आई मैम और सर? गाना बनाया, वीडियो रिलीज की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जोर से बोलना है, जितना अच्छा लग रहा उतना जोर से बोलना है। बोलो बोलो। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए माइक में। मेरे को बहुत अच्छा। तो क्या फिल्म में काम करने की इरादा है? फिल्म करनी का रोल मिलता है आपको? फेवरेट हीरो कौन से बेटा? सलमान। मेरा हीरोइन हीरोइन में कौन? कृति सनन, आस्था गिल। आस्था जी आपका भी शो आप देख चुके हैं, आप उन्हें भी अच्छी तरह से खेला खतरों के खिलाड़ी, कुछ शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े आए, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब एलिमिनेट भी हो गई तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। अपार्ट फ्रॉम एनी प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में हम आपको देखें धमाकेदार? तो आते जाएंगे, अब संभालो बस तुम, फेंकता जाऊंगा अपना। थैंक यू सो मच। क्या देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से अभी भी सतर्क रहें, सावधान रहें, अभी इतना खतरा टला नहीं है। और मुबारकबाद देना चाहूँगा सारे देशवासियों को जो हमारे ओलंपिक में प्रदर्शन रहा है। आई थिंक बहुत आने और आने वाले टाइम में और अच्छा करें, और हमारा गाना इन्जॉय करें। सेम बोलना चाहूँगी, और गाना एंजॉय करें और तैयार हो जाओ, मुझे लगता नहीं अभी सब रेडी है आगे क्या आने वाला है, तो ज़रा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि बहुत सारे गाने आने वाले हैं। जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई वो लगवा। हाँ प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवा। वेरी गुड, वेरी गुड, बेस्ट विशेस दे दीजिए इंडिपेंडेंस डे आपको, शुभकामनाएं देशवासियों। मेरे जितने भी देशवासी हैं सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बस।
उम्मीद करते हैं खुश रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। बेटा बोल दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फंस गए। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे 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 डे। सबसे इजी वर्ड पटक गए। ठीक है बात हुई।